कोरिया जिले के बरबसपुर ग्राम के आत्महत्या की अनसुलझी कहानी। मामला कोरिया जिले के बरबसपुर का है, जिसमें एक गरीब तख्ते का लड़का, जो कि माँ बाप अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर सूरजपुर अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ रुक कर काम करने गया, वहीं पर करीब एक दो वर्ष से दिनेश साहू के होटल भैया थान रोड पर कार्य कर रहा था, जो कि अपने करीबी रिश्तेदार मौसा मौसी के यहाँ पर रहता था। लेकिन ज्यादातर अपना समय वह लड़का अपने ही करीबी रिश्तेदार मामा मामी के यहाँ बिताया करता था और इन्हीं के घर में आत्महत्या किया गया है। और सबसे पहले आत्महत्या करने वाले शख्स के मामी ने बताया कि लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। परिजनों के द्वारा FIR दर्ज कराया गया, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही। सूरजपुर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि ये आत्महत्या है, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा स्पष्ट इनकार किया जा रहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या की गई है। आत्महत्या है या मिलीभगत, यह सोची समझी प्लानिंग कर मर्डर किया गया है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजीव द्विवेदी के साथ सहयोगी अंकित शर्मा की खास रिपोर्ट। विजय कुमार साहू, मैं बरवासपुर में काम करता हूँ। और आपका भाई कहाँ काम करता था? सूरजपुर में काम करता था, होटल में, मामा के होटल में। मामा के होटल में। आपका भाई कितने साल से वहाँ रह रहा है? डेढ़ साल से वहीं रहा हूँ। आपके भाई का नाम क्या है? प्रमोद कुमार साहू। अच्छा, और FIR दर्ज करवाई आपने? FIR दर्ज करवाया है, 13 तारीख करवाया है FIR दर्ज। तो आपको पावती वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला। सोमवार के दिन गया रहा तो पुलिस वाला बोलता है कि कुछ मतलब टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा कार्रवाई वाई को। इधर देख करने कुछ नहीं गए, कहीं के बयान वाले, हम लोग बयान लिया, कागज मांगा उससे, रिपोर्ट वाला, पोस्टमार्टम वाला कागज भी नहीं दिया। आपको क्या लगता है, आपके भाई ने आत्महत्या किया है? आत्महत्या नहीं किया, उसको मर्डर करके मार के टांग दिया गया है। पुलिस वाले कहना है कि वो मर्डर है, मतलब वो फांसी लगा के मरा है कि हमारे